गाइज, अगर आपके किसी भी विंडोज में अगर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो होता है, कुछ इस तरह का एरर शो होता है, दी विंडोज सिक्योरिटी सेंटर सर्विस कांड बी स्टार्टेड, तो आप इस प्रॉब्लम को आप परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको आगे बहुत इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। गाइज, आगे के स्टेप्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियोस को डालता रहता हूं जो आपको हमेशा काम में आने वाला है। तो आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू जाना है और आपको यहां पर टाइप करना है रजिस्ट्री एडिटर, और आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहां पे एचकी की लोकल मशीन्स में आपको यहां पे चले जाना है, और आपको यहां पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे चले जाना है, और आपको यहां पे करेंट कंट्रोल सेट वाले ऑप्शन पे भी आपको यहां पे चले जाना है, और आपको यहां पे सर्विसेज का ऑप्शन में भी आपको यहां पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको यहां पे एक फोल्डर को, एक माने फाइल को आपको यहां पे फाइंड आउट करना है WSCSVC के नेम से। तो उसे फाइंड आउट करने का मैं आपको यहां पे एक शॉर्टकट वे भी मैं आपको बता देता हूं। आपको रैंडमली किसी भी एक फाइल को आपको यहां पे सिलेक्ट करना है, किसी भी एक फोल्डर को सिलेक्ट करना है रैंडमली। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में W बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद फिर आपको W के रिलेटेड जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो आपको यहां पे शो हो जाएंगे। तो आपको यहां पे फाइंड आउट करना है WSCSVC के नेम से, और आपको यहां पे ये ऑप्शन आपको यहां पे शो हो जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है, और आपको इसके राइट साइड की ओर आपको यहां पे स्टार्ट का आपको यहां पे डिवर्ट फाइल आपको यहां पे शो हो जाएगा स्टार्ट के नेम से। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको इसे मॉडिफाई करना है, और आपको यहां पे वैल्यू डेटा में आपको यहां पे 4 आपको यहां लिखा हुआ शो होगा, तो आपको यहां पे 2 टाइप करना है। 2 टाइप करने के बाद फिर आपको इसे ओके कर देना है, और यहां पे जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स ओपन है तो आपको एक एक करके आपको इन सभी को यहां पे क्लोज कर देना है, और आपको इसे कट करना है। कट करने के बाद फिर आपको यहां पे अपने विंडोज के स्टार्ट में जाना है, और आपको यहां पे टाइप करना है सर्विसेज, और आपको यहां पे सर्विसेज को भी आपको यहां पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहां पे सिक्योरिटी सेंटर को आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने का भी आपको यहां पे रैंडमली किसी भी एक सर्विस को आपको यहां पे सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपने कीबोर्ड में एस बटन को प्रेस करना है, और आपको यहां पे सिक्योरिटी सेंटर के नेम से आपको यहां पे एक फाइल आपको यहां पे शो हो जाएगा, मतलब एक सर्विस आपको यहां पे शो हो जाएगा। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद फिर आपको यहां पे स्टार्टअप टाइप में आपको यहां पे चेक करना है कि आपका ये ऑटोमेटिक में सेट है कि नहीं, और सर्विस स्टेटस में ये रनिंग में है कि नहीं। अगर बाय द वे ये ऑटोमेटिक में नहीं रहता है तो आपको यहां पे इसे ऑटोमेटिक में सेट करना है, और सर्विस स्टेटस में आपको यहां पे इसे स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद फिर आपका यहां पे ये रनिंग में आ जाएगा। तो यहां पे मेरा ऑलरेडी स्टार्टेड ही है, और आपको इसे अप्लाई करके फिर आपको इसे ओके कर देना है, फिर आपको इसे कट करना है, फिर आपको एक बार अपने विंडोज को आपको यहां पे एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका जो वो प्रॉब्लम आ रहा था, जो एरर आ रहा था, वो प्रॉब्लम आपका यहां पे परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। और गाइस, अगर आप अभी तक मेरे अदर सोशल मीडियाज को फॉलो नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले। आपको सभी का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।